देश की राजधानी दिल्ली के इंदिरा अस्पताल से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां अस्पताल में भर्ती एक कोरोना पॉजिटिव महिला अपनी 3 दिन की मासूम बच्ची को छोड़कर गायब हो गई। सब्जी मंडी थाना पुलिस ने डॉक्टर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस महिला की तलाश में जुटी है। वहीं मासूम बच्ची को अस्पताल की नर्सरी में रख डॉक्टरों का स्टाफ बच्ची के स्वास्थ्य का ध्यान रख रहा है। एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया कि नवजात बच्ची स्वस्थ है और उसकी हालत स्थिर है। बच्चे का पहला कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे का दूसरा टेस्ट भी रविवार को जांच के लिए लैब में भेज दिया गया। अगर वो भी नेगेटिव आता है तो बच्चे को पुलिस को सौंप दिया जाएगा, क्योंकि कोई भी बच्चे को लेने नहीं आया है। जानकारी के मुताबिक गर्भवती महिला को 9 अगस्त को उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां उसने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया, लेकिन महिला की कोरोना जांच की गई तो वह संक्रमित पाई गई। इसके बाद सभी आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 11 अगस्त को महिला को हिंदूराव अस्पताल के कोविड-19 वार्ड में भेज दिया गया था। अब डॉक्टरों को महिला द्वारा कोरोना फैलाने की भी चिंता है। पुलिस महिला के रिश्तेदारों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। उसने एडमिशन के दौरान हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में बिहार के एक पते का उल्लेख किया है, लेकिन पुलिस अभी तक उसका सत्यापन नहीं कर पाई है। उसके पति से भी कोई संपर्क नहीं हो पाया है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि हम दिल्ली में एक संभावित पते पर महिला को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रहे हैं। इसी बीच उत्तरी दिल्ली नगर निगम के एक अधिकारी ने कहा कि बच्चे की कस्टडी लेने के लिए दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से अनुरोध किया गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस स्वतंत्रता दिवस के लिए सुरक्षा व्यवस्था में व्यस्त थी। वहीं रोगी द्वारा दिया गया फोन नंबर भी बंद है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी दिल्ली के साथ।